हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हाँ दोस्तों, मैं आपको ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों। आपको इसको जॉब को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। बहुत ही आसान जॉब है और सिर्फ इसमें आपको कुछ ज़्यादा काम नहीं करना होगा दोस्तों, और इसमें आपकी अच्छी खासी सैलरी हो सकती है। तो आप इस वीडियो को अंदर जरूर देखें, जॉब के बारे में पता चल जाए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। तो जॉब के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ दोस्तों। तो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अगर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में या किसी भी तरीके से कोई भी हमारे नाम की फेक आईडी से आपको किसी भी नंबर पर कॉल करने को बोले यार आपसे कोई भी जॉब के लिए पैसा मांगे, तो आप किसी के नंबर पर कॉल ना करें और आप किसी को जॉब के लिए पैसा ना दें दोस्तों। हमारे चैनल के माध्यम से किसी से भी कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता है जॉब के लिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको जॉब के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ये आपकी जॉब होने वाली है, जितने भी जो बैंक होते हैं सरकारी बैंक, उनके जो एटीएम होते हैं उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स की बहुत ही बड़े लेवल पे वैकेंसी निकाली गई हैं। हाँ दोस्तों, एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड की ये वैकेंसी बहुत ही बड़े लेवल पे निकाली गई है। इसमें आपकी अच्छी खासी सैलरी हो सकती है, और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जॉब है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपको बैठना है सिक्योरिटी गार्ड की तरह आपको, वो भी मैं आपको बता दूं एटीएम में। दोस्तों आपको पता ही है, एटीएम में आपको एसी की सुविधा मिल सकती है, आराम से बैठने की कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, आराम से। सिर्फ आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है और अच्छी खासी आपको उसमें सैलरी मिल सकती है। और अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आपको उसको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इसी तरीके से अप्लाई कर पाएँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी एलिजिबिलिटीज़, जिसमें मैं आपको इसमें पढ़ाई लिखाई के बारे में बताऊँगा और इसकी आपकी जो उम्र है अप्लाई करने के लिए कितनी होनी चाहिए वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दूं दोस्तों, तो पढ़ाई लिखाई इसमें ज़्यादा नहीं मांगी है, आपकी आठवीं और दसवीं पास इसमें मांगी है। हाँ दोस्तों, अगर आपने आठवीं या दसवीं पास कर ली है तो आप आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूँ इसको अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी उम्र है वो सारी बातें बता देता हूँ। तो उम्र आपकी कम से कम इसमें 18 साल होना आपकी कंपलसरी है। हाँ दोस्तों, मतलब आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल होना जरूरी है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, 18 साल होना जरूरी है आपका। अगर 18 साल से ज़्यादा के हैं तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। और मैं आपको इसके फॉर्म के लिंक के बारे में बता देता हूँ, कहाँ पर जाकर आपको इसका फॉर्म का लिंक है वो मिलेगा दोस्तों। तो इसका फॉर्म का लिंक आपको दोस्तों गूगल पर सर्च करने पर मिलेगा, हेल्प एंड रोजगार। हाँ दोस्तों, हेल्प एंड रोजगार आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको एक नंबर वन पर वेबसाइट मिल जाएगी, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर आप आसानी से इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी जल्दी इसके फॉर्म को भरें, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। और अप्लाई करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। आपका 18 साल का होना जरूरी है और आपका आठवीं दसवीं पास उसमें मांगा गया है बस। और आपको बता चुका हूँ, आपको सर्च करना है सिर्फ हेल्प एंड रोजगार गूगल पर, आप आसानी से इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी इसके लिए अप्लाई जरूर करें दोस्तों। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वो भी अप्लाई कर पाएँ। और अप्लाई करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो।